और अब आपने इतनी अच्छी इंसाइट दी है इसमें, मैं ये सोचूं कि क्योंकि उसके जितना कंफर्ट लेवल की जो चीज़ें थी, सपोर्ट थी, वो निकल गई, इसीलिए वो फरहत को भी नहीं जाने दे रहा, बिकॉज उसको डर है कि ये तो एक सॉलिड फाइनल चीज़ रहेगी, ये भी चली गई तो मैं क्या करूँगा, अकेला रह जाऊंगा। यू आर राइट, अब मैं आपसे बातें करूँ, मुझे इतने एंगल में जो रहता है ना बचपन से, उसके लिए अकेला रहना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसने हमेशा ये देखा है, जैसे इसके लिए है ज्वाइंट फैमिली में रहना बहुत मुश्किल है, तो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं उनके लिए अकेला रहना बहुत मुश्किल है। तो वासिफ यही है कि वासिफ को है कि अगर ये भी चली गई ना तो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी मेरे लिए, माँ तो है मेरे पास, भाई भी हैं, लेकिन सब अलहदा हो गए। अभी तहसीन भाई के साथ काम किया बेबी बाजी में, क्या इंसान है वो, नो डाउट, ग्रेट, फुल मार्जिन आपको दिया हुआ है, आप काम करो, आपको बता भी रहे हैं ये करना है, और वो 100 मसलों में है, वो बंदा एडीएस के मसले भी देख रहा है, वो बाकी चीज के मसले भी देख रहा है, ईएनजी के मसले भी देख रहा है, वो टेक्निकल भी, लेकिन उसके बाद वो शॉट भी देख रहा है, फ्रेमिंग भी देख रहा है, लाइट्स भी देख रहा है, उसके बावजूद वो बंदा, उस बंदे में अल्लाह मियां ने कोई ऐसी चीज दी है कि उसने एक एक डिटेल जो है ना शॉट की, उस पर उसकी नजर भी होगी, नज़र भी होगी। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है टेक्निकल जब होता है या कोई भी चीज़ें प्रोडक्शन की चीज़ होती है, उसमें कहीं ना कहीं ऊंच नीच होती रहती है, मतलब ये एक नॉर्मल सेट की हैपनिंग है, लेकिन आर्टिस्ट के साथ कूल रहना, उनके साथ बिल्कुल माहौल चिल रखना, ये एक आर्ट होता है जो बहुत कम डायरेक्टर्स को आता है कि उनके सामने आपने ज़ोर से बात नहीं करनी, बिकॉज ही इज़ अंडरस्टैंडिंग कि भाई इनके चेहरों पर ना आ जाए, क्योंकि बिकॉज इफ़ ही इज़ गोइंग टू शाउट या इफ़ ही इज़ गोइंग टू बी दैट रूड पर्सन, तो हम लोग तो काम ही नहीं कर पाएंगे। लाइक समवन लाइक मी या लाइक जुनेद, ही इज़ वेरी सेंसिटिव, मैं भी बहुत सेंसिटिव हूँ, अगर मुझे कोई, मैं जा रही हूँ, मतलब ये आर्ट का काम है ना, मैं जा रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, अचानक से मेरे पर कुछ बोल दे तो इट विल शो ऑन माई फेस। वो तहसीन टेक्स केयर ऑफ दिस वेरी नाइसली, वो हमें इतना कंफर्टेबल करके, अच्छा नहीं तुम्हें इस तरह आसान लग रहा है, चलो ठीक है, ये पूरा ग्राउंड आपका है, इसमें आपको जिस तरह करना है परफॉर्म मुझे बताओ, फिर वो बताएगा नहीं तुम्हारा ये वाली चीज़ सही नहीं जा रही, यू कैन डू दिस, सो इट हैज़ बीन अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम। अच्छा मैं बता दूँ, बीच में हमारे ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो आवाज़ आई थी, हमने रोका, जब तक हम सेट कर रहे थे, फिर कुछ और बात हम कर रहे थे, फिर कुछ और बात हो गई, तो थोड़ा सा आपको शायद डिस्ट्रप्टिव लगे, सो हमने रोल पे डाला, हमने कितने मजे की कहानी सुना रही। और जैसे डायरेक्टर्स जो हैं दो तरह के होते हैं, जैसे तहसीन थे, एक मैंने एक और डायरेक्टर के साथ काम किया था, तो जो पहला महीना था मेरा वो इतना मुश्किल रहा उस बंदे के साथ, मुझे गालियाँ भी पड़ी, मुझे सुनने को भी मिली उससे, और वो इतना डीमोटिवेटिंग होता है ना आपके लिए कि सही बात है, आप काम करना चाह रहे होते हो, आप अच्छा करना चाह रहे हो लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड आपको ये चल रहा होता है कि अगर मैंने गलती कर दी तो मैं तो गालियाँ सुनूंगा सर। आपके पास सुकून नहीं होता, वो मार्जिन वेरी टॉक्सिक यार, टॉक्सिक हो जाता है वो, एक तो सेट बहुत टॉक्सिक होता है क्योंकि हर बंदा डर रहा होता है, और फिर वो चीज़ एक्ट्रेस के बीच में भी आ जाती है, कि आपस में भी लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है यार कि हमारा जो सीनियर जो कैप्टन है वही लड़ रहा है, वही सुना रहा है सबको, तो वो चीज़ जब मैंने ये साइन किया तो मुझे बहुत डर था इस चीज़ का कि यार ये ना हो कि ये वैसे ही सेट हो और वैसे ही डायरेक्टर हो। तो जब उनसे मैं मिला तो वो इतना अच्छा इंसान, इतना हम्बल, इतना स्वीट, नो डाउट। जब उससे मैंने काम स्टार्ट किया तो हम लोगों को, मेरा पहला जब शॉट था, क्योंकि कैरेक्टर समझने में आपको टाइम लगता है, हमारा पहला सीन हमारे एडी ने मुश्किल आउटडोर रख दिया, सबसे पहला सीन, मैंने कहा यार तुमने ये क्या किया, मेरा पहला सीन फर्स्ट डे हॉस्पिटल का सीन, वो भी इंटेंस सीन रख दिया उस बंदे ने। अब मैं क्या यार तुमने किया क्या, तो डायरेक्टर ने कहा तुम टेंशन ना लो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बताऊंगा। हमने आई थिंक 15 रीटेक्स किए पहले सीन के, 15 रीटेक्स। क्यों? क्योंकि वो एक कैरेक्टर ऐसा था, वो उसका, उसके अंदर चाहिए एक ऐसी चीज थी, डायरेक्टर कह रहे थे ये वो रेफरेंस दिए जा रहा है, लेकिन फाइनली जब वो हुआ मैं समझ गया कि ये क्या चाह रहा है, क्योंकि आपको समझने में टाइम लगता है कि डायरेक्टर क्या चाहता है, क्योंकि हर किसी का एक काम करने का तरीका अलग है, हर किसी को अलग तरीके से, तो वो 15 रीटेक्स इसलिए हुए कि मैं हर वेरिएशन दे दी उसके, ये हॉस्पिटल में जब वो लड़की नहीं आती उसके अंदर हॉस्पिटल आ जाती है, पागल तो नहीं हो गया, तो वो मैंने दिया पहले कि बहुत गुस्से में भी दिया, फिर बहुत लाइटर मोड में दिया, कि मैंने कहा वासिफ इतना चीखता नहीं है, वासिफ ये नहीं है, फिर वासिफ के कैरेक्टर को समझने के वासिफ है क्या, कितनी पिच पे जा सकता है, कितना अंडर जा सकता है, दो दिन तो लगता ही लगता है, कितनी क्वालिटीज हैं भाई, मैंने तो सोचा भी नहीं था, कितना ऊपर वासिफ की पिच क्या है, क्योंकि वासिफ चीखता नहीं है, वासिफ रो लेगा, लेकिन वासिफ इतना हाई नहीं जाता, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वासिफ ऊंची आवाज़ बात करेगा लेकिन वासिफ चीखेगा नहीं, वासिफ पहली बार जब चीखता है कि जब
अपनी भाभी के ऊपर कि उसकी बस हो जाती है, वो कहता है कि यार मेरी खत्म हो चुका हूं मैं। लेकिन वो भी ना वो वाला स्क्रीमिंग नहीं है, वो स्क्रीमिंग नहीं है, चीखना नहीं है, ऊंची आवाज है, देयर इज अ डिफरेंस, यू नो, डिफरेंस बिल्कुल। या उसकी और वो आपको नजर आ रहा है आप जब कह रहे हैं, मैं सोच रही हूं कि वो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल भी कर रहा है, सो गुस्सा और वो उसके दरमियान खेल रहा है, ये वो नाराज होकर साइड पे निकल जाता है कि मैं नहीं जा रहा कि आप गाड़ी अपने पास रख लें। हां सही बात है, तो वो वासिफ ऐसा है, तो उसको समझने में भी ना कि वासिफ की क्या पिच है, वो कितना अंडर कर सकता है, कितना ओवर कर सकता है, वासिफ का नेचर क्या है, तो उसमें टाइम लगे। लेकिन डायरेक्टर ने जो समझाया और वो ऐसा ऐसा टाइम के साथ साथ वो इतनी इम्प्रूवमेंट आती गई उस बंदे ने, इतना हमने काम माशाल्लाह। अच्छा जी, अजरा भाभी से उन्हीं का वही है जो फसाद की जड़ है, या आपको लग रहा है फरहत का भी थोड़ा बहुत? मुझे लगता है कि असल में it started with her obviously, yeah. Farhat was not like this, karti to hum Farhat ki ye side nahi dekhte, maybe nahi dekhte shayad, kyunki वैसे वो सबके साथ सही रही है। अब होता ये है कि जब आप एक सिचुएशन में एक बंदा आपके साथ ख़राब हो जाए तो आपको ना हर चीज़ से आहिस्ता आहिस्ता चिड़ होना स्टार्ट हो जाती है। वो आपको कोई सही भी बात करे ना, आप इतना चिड़ जाते हो दैट यू आर नॉट इवन ओपन फॉर डिस्कशन देन, कि अगर कभी आके अस्मा भाभी समझाने की कोशिश भी कर रही है तो मैं ये देख रही हूँ अस्मा भाभी तो खुद अपने लिए कभी ज़िंदगी में स्टैंड नहीं लिया उन्होंने, मैं उनकी बात क्यों सुनूँ। अब हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए हैं कि फरहत को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, थोड़ा दब के रहना चाहिए। अच्छा, इनर सोसाइटी आई थिंक वी आर हार्ड वायर्ड टू कॉम्प्रोमाइज़ एज अ वुमन, ठीक है। हमें जब हम एक घर में ब्याह जाते हैं ना तो हमें ये बताया जाता है कि बेटा घर बना के तुमने रखना, इट्स नॉट जस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और भी लोग हैं घर के अंदर जिनका ये काम है, चाहे वो मेरा शोहर हो, चाहे अगर मेरी सास मेरे साथ रही, एवरी वन हैज़ टू कम टुगेदर फॉर वन रिलेशनशिप। तो आई फील के तो आई थिंक के सबको सबको एक साथ मिलकर एक रिलेशनशिप को अब बात ये है कि हमें इतनी आदत हो जाती है ये बात सुनने की मुस्तकिल के कॉम्प्रोमाइज करना है, घर बसाना है, घर करना है, इसके लिए आप किसी भी एक्सटेंड तक चले जाओ, आप अपने आप को अपनी मेंटल हेल्थ को आप निग्लेक्ट कर दो। तो जब मैं फरहत का किरदार अदा भी कर रही थी तो मुझे अगर कहीं लग रहा था कि ये बहुत ओवरबोर्ड जा रही है, ये बहुत ऊपर जा रही है, तो आई वाज लाइक हम सदियों से ये देखते हुए आ रहे हैं कि औरत पिस रही है, शी इज़ कॉम्प्रोमाइजिंग, लाइक अस्मा भाभी कैरेक्टर सुनीता has played it so beautifully and it's so relatable to a lot of women because they are doing it. और वो चाहती हैं कि आगे वाली नस्लें भी ये करती रहे, but it's wrong. If you think of it, it's wrong. आप क्यों बर्दाश्त कर रही हैं? अल्लाह ताला has given you one life and you are wasting it, like के किस कोई भी आपको कुछ भी बोल जाए, आपका शोहर आपकी रिस्पेक्ट ना करे, घर जब आपका पार्टनर आपको बेसिक रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, Nobody is going to do anything about it. लेकिन सास तो बेचारी थोड़ी calm down करने की कोशिश करती है, वो थोड़ा balance करती है ना। उसका end product क्या हो रहा है? I mean she's suffering. वो character suffer कर रहा है। अस्मा तो definitely suffer कर रहा है। So that's what I'm saying. फरहत की at least हाँ with फरहत if she's not compromising, वो अपनी जगह सही कर रही है अपने age group के हिसाब से। वो आज की लड़की है, she knows her rights, उसको पता है कि मैं क्यों करूँ compromise, जब मैंने गलत काम नहीं किया तो मैं क्यों करूँ। हाँ वो difference दिखाया ना कि अस्मा और फरहत के बीच में, कि एक औरत अपने decision लेती है, उसके बाद power है decision का, वो चाहती है कि मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ।